ये जो अपन ने 50 दाना गिनिया ने, हाँ अब अपन इन्हें तगारी में डालेंगे। तगारी में कई करना अपने, पहले सबसे पहला इन तगारी के कहीं से भी सूखी मिट्टी से भर लेनी। अपन ने जो सूखी मिट्टी ली नहीं अपन ने, यार इनमें अपना इस तरह का ही ढेपड़ा दिख रही है, तो इनके कहीं है, इनके सबके अपने उठाने ना बाहर पटकनो। अभी ये हुई पूरा एक समान हुई मिट्टी है ना, अब खींचा लाइन, ये लाइन खींची, ये अपन ने लाइन खींची ली। अभी मैं अपन दाना डालेंगा, एक तरफ से डाला इतनी दूरी पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 46, 47, 48, 49, 50, 50। अब अपन ने जो दाना डाल दिया, इनके अपन थोड़ा थोड़ा ऊपर मट्टी चढ़ानी है अपने। ये जो अपन ने दाना है ना, इस पर थोड़ी थोड़ी अपने मट्टी चढ़ानी है, ज़्यादा भी नहीं चढ़ानी है कि उग गई नहीं अपनों दानों, हल्की हल्की से मट्टी चढ़ाई दो। जैसे अपन ने जो दाना डाल दिया नहीं, अबे हाँ अब ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्को पानी छिड़ के दा अपन। अब अपन ने मैं पानी डाल दियो है ने, मैं दूसरा से दूसरा दिन अपने फिर देखना है कि मैं पानी की कमी नहीं हुई रही। अगर पानी की कमी हुई रही तो अपने थोड़ा हल्को से मैं पानी छाटना है। अपने कही है 5 से 6 दिन में के देखना है। अपन ने डालिया 50 दाना सोयाबीन का है नी, अगर 50 दाना में से अपने 40 से 45 दाना निकले अपना सोयाबीन का, तो अपनो बीज अच्छो छे। अच्छा, अगर 30 से 35 दाना निकले है नी, और अपन 20 किलो बीज बोना वाला, तो हमें अपने 5 किलो बीज बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कितना बोना पड़ेगा, 25 किलो है नी। 30 से 35 दाना निकले तो 5 किलो बीज बढ़ेगा, तो 25 किलो बोनो है ना। हाँ, और अगर 30 से कम दाना निकले है हाँ, तो तुम्हारो बीज खराब है, बोने लायक नहीं है, ओके बोनो ही नहीं है, हटा ही देना। तो ये पता अपने के गिरने से लगी जाएगा। ये जो अपन ने सोयाबीन को कर लियो है ना, अभी क्या अपन ढाकी दांगा। पांच दिन का बाद अपन ने सरदार भाई ने उंदानी में अपन ने 50 दाना डालिया था, तो आज अपने इनमें दाना गिनना है कि कितना होया, कितना निकले या कितना नहीं निकले है ना। तो 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35 और अपन डालिया था कितना, 50 दाना, उनमें से अपना 35 दाना निकले हैं।